हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट अनदर फूडी गर्ल। तो अभी करेंटली मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और मैं हूँ अपने घर पे और मेरी मम्मी बना रही थी आलू परवल फ्राई, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। रोटी, चावल, दाल, पराठे, पूरी, किसी के भी चीज़ के साथ। मैंने सोचा कि क्यों ना रेसिपी शूट कर ली जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई या पैन कुछ भी ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है और बाद में जो ऑयल बच जाएगा वो आप किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया, यानी कि सरसों का तेल। इसमें ही ये ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं पसंद तो आप कोई और ऑयल भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मस्टर्ड ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर देंगे जब तक कि जब उसमें धुआं आने लगे, तो क्या होता है कि उसका जो सारा स्मेल होता है वो चला जाता है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 3 सूखी लाल मिर्च। जब हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा और इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप सूखी लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लेम को हमें यहाँ पे हाई रखना है और हाई फ्लेम पे अभी हम यहाँ पे डाल देंगे प्याज। तो एक बड़े साइज का प्याज है जिसे हमने लंबा लंबा कट कर लिया है। ज्यादा पतला नहीं कट करना है, ना बहुत ज्यादा मोटा कट करना है, मीडियम में कट करना है। और अभी हम इसे अच्छे से यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। उसके बाद अभी हम इसमें डाल देना है परवल। तो यहाँ पे 10 से 12 पीसेस परवल के हैं जिसे हमने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। तो ये हम डाल देंगे और यहाँ पे इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमें अभी फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। परवल को फ्राई करते हुए हमें यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो यहाँ पे ये 2 मीडियम साइज का आलू है जिसे हमने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। और अभी हम यहाँ पे सभी चीजों को 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमें सभी चीजों को मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। आलू को भूनते हुए यहाँ पे हमें 1 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सभी चीजों को हमें यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे कवर करके 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है, या तब तक जब तक कि ये रेड ना हो जाए, और इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है। यहाँ पे इसे टोटल कुक करते हुए मुझे 16 से 17 मिनट हुए और आप देखो हमारा जो आलू परवल फ्राई है वो बिल्कुल बन के रेडी है और ये बिल्कुल रेड रेड भी हो गया, मतलब अच्छे से कुक हो गया। तो इस स्टेज तक आपको कुक कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। आप एक बार ट्राई जरूर करना, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये रेसिपी आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये ठंडे होने के बाद भी अच्छी लगती है। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे फिर किसी तरह की इजी, मजेदार और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।